अस्सलामु अलैकुम, मैं जुलेखा अरफा, जुलेखा किचन से। तो चलिए बनाते हैं आज की चटपटी सी गोभी आलू की सब्जी। बहुत ही झटपट बढ़िया, घर पर आसानी से बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जी बनाते हैं आज की। चलिए, ये है 250 ग्राम गोभी। इसके जो हरे पत्ते थे वो सारे मैंने फेंक दिए, और अब इसको क्या करना है, ये जो ऊपर के जो फूल है ना, इसे खोल खोल कर चेक कर लीजिए, और थोड़े छोटे छोटे पीसेस भी करते जाइए। तो चेक भी करते जाएंगे ना, तो अंदर अगर कीड़ा लगा तो उतना पोर्शन काट कर फेंक दीजिएगा। चलिए, ये मैंने सारी चेक कर ली और साइड पर रख दी। और ये है दो आलू, इनको छील लीजिए और इस तरीके से पीसेस कर लीजिए और पानी में रहने दीजिए। अब हम बघार लेते हैं सब्जी को। गोभी कटी हुई जो है उसे दो तीन पानी से धोकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे साइड पर रख दीजिए इस तरीके से। एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए और उसमें डाल दीजिए आधा छोटा छोटा चम्मच साबुत जीरा। और जीरा डालने के बाद जीरे को तड़तड़ा जाने दीजिए। जब जीरा तड़तड़ा जाए तेल के अंदर, तो इसमें डाल दीजिए एक बड़ी साइज की या मीडियम साइज की छुंदा प्याज, मेरी मीडियम साइज की थी। अब इसे बार बार चलाते रहें और फास्ट आंच पर फ्राई करें। हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये कच्ची पक्की नहीं हो जाती, बस वहीं तक ही। हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो एक छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे भी फास्ट आंच पर भूनिए। बार बार चलाते हुए तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा टमाटर था मेरे पास, तो मैंने इसकी छील निकाल ली और बारीक पीस कर लिए। इसे एक बार चला लीजिए, और अब आप चाहे तो मीडियम पर इसे थोड़ी देर पकने रख सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिए, मतलब स्लो करके इसे ढक कर दो तीन मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक हल्की नरम नहीं हो जाते टमाटर। जब नरम हो जाए, नम हो जाए इस तरीके से, ये देखिए अच्छे गल गए ना, एकदम नम हो गए। तो अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ आलू, लेकिन पानी हटा के छान कर नितार कर डालिएगा। ये सारे आलू डाल दीजिए और ये जो गोभी है ये साबुत सारी गोभी डाल दीजिए। जो पानी है वो दोनों के किसी भी मत डालिएगा, सिर्फ गोभी और आलू डाल दीजिए। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे आप चाहें तो लाल मिर्ची का पाउडर कम डाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मीडियम आंच पर चालू कर दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए एक दो मिनट तक पका लीजिए, सो दैट मसाले भी थोड़े से भूने और ये जो हमारी सब्जी है, मतलब गोभी और आलू में थोड़ा मसाला लगेगा तो और ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब जब एक से दो मिनट मीडियम आंच पर हो जाए तो एक कप पानी डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर कर दीजिए, एक बार चला लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो इसे ढक कर 15-17 मिनट पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक सब्जी नहीं गल जाती। चलिए, 15-17 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए अभी भी हल्की भिजभिजी है। अच्छा, मैं आपको आलू बता देती हूँ, ये देखिए ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या डालती हूँ मालूम है, एक सैशे मिलता है छोटा सा मैजिक मसाला का, मैगी का, बहुत ही मज़ेदार रहता है, उससे सब्जियाँ ना थोड़ी चटपटी सी हो जाती, तो मैंने ये डाला। इसे चला लीजिए और ढक कर दो तीन मिनट लास्ट के जो है उसे पकने दीजिए। तो जो हल्के से मेरे जो आलू बचे हैं वो पूरी तरीके से गल जाएंगे, और सब्जी तो वो गोभी तो पूरी तरीके से गल चुकी है, तो ढक कर इसे पकने दीजिए दो तीन मिनट तक। चलिए, दो तीन मिनट हो चुके हैं, खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए। मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद और मज़ेदार सी हमारी चटपटी सी गोभी आलू बन चुकी है। एक बढ़िया सी सर्विंग बॉल में निकाल लीजिए और गर्मा गर्म सर्व करें रोटी पराठा या फुलका के साथ। अच्छा, चाहें आप तो ये मैजिक मसाला टोटली स्किप कर सकते हैं, एज इट इज हमारी सब्जी बहुत अच्छी बनती है यहाँ। और दूसरी बात, अगर आप मैजिक मसाला डाल रहे हैं तो लाल मिर्ची का पाउडर आप चाहे तो कम डाल सकते हैं और ज़्यादा, सो दैट क्या है ना, थोड़ी सी ये चटपटी और हल्की स्पाइसी बनेगी। तो आप कम डालिएगा अगर आप कम स्पाइस खाते हैं तो ये सर्व होने के लिए रेडी है मज़ेदार सी हमारी चटपटी आलू गोभी की सब्जी। तो है ना मजेदार रेसिपी। अगर आप ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वाली वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो रेसिपी तो, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाली वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।